एक्स, सिंपल स्टेटमेंट जैसे लिखा मैंने, एक्स इज एक इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, सिंपल स्टेटमेंट, बट एक्स इज एन इंटीजर, इसको हमें प्रिडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या बेटा, सिंपल सी बात क्या है, हमें सेंटेंस में जो हम लोगों को बेसिक हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कोई भी सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस प्रिडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रिडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रिडिकेट, तो यहाँ भी बेटा हमें यही काम करना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रिडिकेट कौन है। तो यहाँ पे क्या है, हमें ये मालूम बेटा नाउन या प्रोनाउन जो भी होते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स क्या हो गया बेटा हमारा, सब्जेक्ट हो गया। इज एन इंटीजर क्या हो गया बेटा हमारा, प्रेडिकेट हो गया। तो हम इसको बेसिकली कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है तो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कॉमिया ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद बेटा उसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। मतलब क्या है, इंटीजर क्या है, एक्स है, एक्स इज एन इंटीजर, या फिर मैंने क्या है, एक्स की यहाँ पे वाई भी होता तो इंटीजर इज वाई, ऐसे बेटा जेड लिख देते तो इंटीजर इज जेड। यहाँ इसमें किसी को कंफ्यूजन, मैंने ऐसा लिखा होता, लेट सपोज मैंने लिखा होता बेटा सिंपल, पिंकी इज ए कैट लिखा है मैंने स्टेटमेंट, पिंकी इज ए कैट, तो उसे कैसे लिखोगे, पिंकी इज ए कैट, तो स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, ये बेटा हमारा प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट में क्या है, प्रेडिकेट को हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में कैट, और कौन है बेटा, पिंकी। यहां तक बेटा किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ओके बेटा, तो बेटा हम थोड़ा सा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। ये तो सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अब बेटा यदि मैं लिखता हूं इसी तरीके से, बेटा यदि मैं लिखा x इज ए कैट, तो क्या हो जाएगा, कैट ब्रैकेट में क्या जाएगा, x आ जाएगा। अब बेटा मैं सिंपल इसके बाद थोड़ा सा इसकी लेवल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, और मैं लिखता हूं, लेट सपोज एवरी लायन ड्रिंक्स कॉफी, देखिए बेटा ये स्टेटमेंट है हमारा, एवरी लायन ड्रिंक्स कॉफी, तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पहले मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, धीरे धीरे क्या है कि हम लोग ऐसे स्टेटमेंट को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, धीरे धीरे वो हम वहां पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ऐसे केस में बेटा हमारा क्या है, एक होता है बेटा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हमने कह दिया, जैसे क्या कहते हैं, यू ओ डी, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स की क्या होती है स्पेलिंग, इसको बोलेंगे यूनिवर्स, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, डी आई एस सी ओ यू आर, डी आई एस सी ओ यू आर एस ई, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, मतलब क्या है बेटा, इट इज ए डोमेन, ये हमारी डोमेन है कि जो हम बात कर रहे हैं एवरी लायन ड्रिंक्स कॉफी, तो ये क्या है, इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में। तो हमने क्या कहा बेटा, ये हमारे क्या है, जो डोमेन है, डोमेन इज लायन, लेट सपोज बेटा हमने फर्स्ट केस में लिया कि जो हमारी जो डोमेन है, प्रॉब्लम की जो डोमेन है वो क्या है, लायन है। तो लेट सपोज बेटा देयर आर थ्री लायंस, लेट सपोज दैट इज फर्स्ट वन इज एक्स वन, सेकेंड वन इज एक्स टू एंड एक्स थ्री। बेटा मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा हमने, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो बेसिकली क्या है, डोमेन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा, बेसिकली देयर आर थ्री लायंस एक्स वन एंड एक्स टू एंड एक्स थ्री, तो ये क्या कह रहा है, एवरी लायन ड्रिंक कॉफी, तो
हमने क्या कहा बेटा, यदि एक्स वन क्या है हमारा, यदि एक्स वन हमारा लॉयन है तो वो क्या करता है, ड्रिंक्स कॉफी। तो मीन्स क्या हो गया, एक्स वन ड्रिंक्स कॉफी, एक्स वन ड्रिंक्स कॉफी एंड एक्स टू ड्रिंक्स कॉफी। एंड X3 ड्रिंक्स कॉफी। तुमने क्या कहा बेटा, हमारे पास थ्री लॉयन है, X1 X2 X3। तुमने क्या कहा, यहाँ पे क्या था, एवरी लॉयन ड्रिंक्स कॉफी। तुमने कहा X1 इज ए लॉयन, देन इट ड्रिंक्स कॉफी, X2 ड्रिंक्स कॉफी, X3 ड्रिंक्स कॉफी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये ड्रिंक्स कॉफी क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्यों ना बेटा हम इस रिपीट को हम थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करें। तो हमने क्या लिखा, इसको लिखा हमने कॉफी, कॉफी X1। यहाँ पे क्या है, X1 बेटा हमारा सब्जेक्ट है, एंड कॉफी X2 एंड कॉफी X3। तो हमारा जो बेटा अब इसका क्या है फाइनल, अब इसमें भी क्या है बेटा, ये हमारा इसको हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे तो क्या बात करी हमने, X1 X2 X3। तो फाइनल क्या है बेटा हमारा, फॉर ऑल एक्स वेयर कॉफी बेटा, ये हमारा फाइनल क्या है, एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी को हम फाइनली क्या है ऐसे लिख देंगे। अब इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो पहले बताओ बेटा, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें दोबारा एक बार। नो सर, तो सिंपल सी बेटा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से समझो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तो गेट में क्वेश्चन आएंगे तो क्या होता है कि हम जनरली इंटरप्रेट गलत करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये तो मैं डोमेन पसंद गया। अब क्या है कि बेटा यहाँ पे हमारा एवरी की बात कर रहे हैं, तो एवरी का मतलब क्या है कि हम जितने भी केस लेंगे वो सबके सब क्या है बेटा, सबके सब कॉफी पीने चाहिए। तभी हमने यहाँ पे क्या लगाया, सब में एंड लगाया है, मतलब एवरी कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, तभी तो ये होगा बेटा, एवरी स्टेटमेंट ट्रू होगा। मीन्स क्या है, एवरी लॉयन ड्रिंक्स कॉफी। तो उसको बेटा हमने क्या करा, जो हमारे कॉमन थे उसको हमने फिर, और एवरी को बेटा पहले हमने सिंगल सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करा, फिर सिंगल स्टेटमेंट को अगेन बेटा सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले उसमें कन्वर्ट करा। और उसके बाद क्या करा बेटा, जो कॉमन था, अब X1 X2 X3 क्या थे हमारे कॉमन थे, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एवरी का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा ए, फॉर एक्स कौन है, फॉर एवरी लॉयन ड्रिंक्स कॉफी, इसका मतलब ये। चलो बेटा ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं, सम कैट्स आर इंटेलिजेंट। हाँ बेटा इसको करो, यदि अब मैं आप लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम कैट्स आर इंटेलिजेंट, सम कैट्स आर इंटेलिजेंट, सम कैट्स आर इंटेलिजेंट। तो उसको बेटा कैसे हम करेंगे, अब वही बेटा सेम, सबसे पहले यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, हमने कहा कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, इसका कैट है, लेट्स सपोज कैट है। ये बेटा हमें हमेशा प्रॉब्लम में गिवन होगा कि हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, सही है, ये एग्जाम में हमेशा गिवन होता है। तो मैं तुम्हें अभी तो मैंने सिंपल बेटा ये वाली यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स लिया है, इसके बाद अभी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स चेंज करके भी देखेंगे तो क्या बेटा हमारा रिजल्ट सेम रहता है या नहीं रहता है। हाँ यदि हमने डायरेक्ट बेटा यही ले लिया है तो उसमें तो आसान हो गया। अब क्या है, लेट्स सपोज बेटा थ्री कैट है, X1 X2 X3 इज अ थ्री कैट, देन X1 इज इंटेलिजेंट, X2 और X2 इज इंटेलिजेंट और X3 इज इंटेलिजेंट।
तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हम और शॉर्ट में लिखें तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट एक्स वन और इंटेलिजेंट एक्स टू और इंटेलिजेंट एक्स थ्री, या फिर इसको बेटा हम अब क्या करा, इंटेलिजेंट अब इसमें हमने बेटा इसको दोबारा अगेन बेटा हमने वो कर दिया, तो क्या है देयर एग्जिस्ट सम, सम का मतलब क्या हो गया, मैंने क्या कहा था देयर इज एटलीस्ट वन, यदि मान लिया कि बेटा हमारी थ्री कैट है, तीन कैट में से क्या है कि एक भी यदि कंडीशन सेटिस्फाई है तीनों से, लेट्स बोथ बेटा क्या है, एक एक्स वन हमारी कैट तो है बट क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो लेट्स बोथ बेटा दिस कंडीशन इज फॉल्स, लेट्स बोथ बेटा दिस इज द कैट एंड इट इज इंटेलिजेंट, ये भी कंडीशन फॉल्स है और ये क्या है कंडीशन क्या है, लेट्स बोथ ट्रू है, तो यदि हम तीनों के बीच में क्या हो और साइन होगा तो क्या होगा, यदि कोई भी एक बेटा हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा रिजल्ट इज ट्रू, मतलब हम कह सकते हैं कि सम कैट्स आर इंटेलिजेंट, तो उसको बेटा क्या हो गया देयर इज एटलीस्ट, यहाँ पे क्या है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री में क्या है कोई एक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, तो उसका अंदर क्या हो गया देयर इज एटलीस्ट फॉर ऑल एक्स इंटेलिजेंट एक्स, फॉर ऑल एक्स इंटेलिजेंट एक्स, सॉरी फॉर ऑल कह रहा हूँ, फॉर ऑल नहीं है देयर इज, हाँ बेटा इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होता, हाँ बेटा हेलो, हाँ बेटा रिप्लाई करो, हेलो नहीं ऐसा कंफ्यूजन, ठीक ओके ओके, तो बेटा रिप्लाई कर दिया करो, तुम लोग कहाँ चले जाते, चलो बेटा अब इसके अलावा हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज बेटा हमारा ये स्टेटमेंट था एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी, जो भी हमने इससे पहले देखा था एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी, ड्रिंक्स कॉफी, अब क्या बेटा इससे पहले बेटा हमारा क्या है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या था बेटा लाइन था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया था डायरेक्ट बेटा हमने क्या कर दिया था एक्स वन इज एक्स वन ड्रिंक्स कॉफी एक्स टू ड्रिंक्स कॉफी, अब हमने क्या कहा जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो लॉयड ना होके हमने क्या कहा बेटा इट इज एनिमल, हमारा अब डिस्कोर्स क्या है एनिमल, ये क्या लॉयड नहीं बेटा इट इज एनिमल, तो अब मतलब क्या हो गया बेटा यदि ये स्टेटमेंट को ट्रू होना पड़ गया तो क्या होगा, यदि यहाँ पर थ्री एनिमल्स है लेट्स सपोज बेटा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यदि यहाँ पर थ्री एनिमल्स हैं तो अब क्या होगा बेटा यदि स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए क्या है कि इन तीनों को क्या है ये एनिमल क्या है हमारी लॉयन भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ क्या है ये ड्रिंक्स के कॉफी भी पीनी चाहिए, तो मतलब क्या होगा इसको कैसे लिखोगे इंटरप्रेट करोगे बेटा बताओ बेटा, हाँ बेटा बताओ कैसे लिखोगे, इफ X1 is a lion, if X1 is a lion, then it drinks coffee. Then it drinks coffee. इसी तरह से क्या है? If X2 is a lion, then it drinks coffee. ऐसे ही बेटा इफ एक्स थ्री इज ए लॉयन देन इट ड्रिंक्स कॉफी, तो उसको बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रीपोजिशन लॉजिक में, एक्स वन इज ए लॉयन तो क्या होगा लॉयन ऑफ एक्स, क्या होगा बेटा लॉयन एक्स वन, देन का मतलब क्या होता है बेटा इंप्लाइज इट ड्रिंक्स कॉफी, तो कॉफी को बेटा हमने इट ड्रिंक्स कॉफी को क्या है कॉफी कौन पीता बेटा x1, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो ही बता दूंगा, हाँ बेटा यहाँ पे बेटा तुम लोग लिख सकते हो कि लायन x1 का मतलब क्या है कि x1 इज अ लायन, मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे अलग से लेट्स सपोज कमेंट्स में करता हूँ, यहाँ पे क्या है लायन एक्स, इसका मतलब क्या है
ln x equal to x is a ln x is a ln और उसके अलावा क्या है बेटा हमारा यहाँ पर हमने क्या यूज करा है कॉफी एक्स यूज करा है कॉफी कॉफी एक्स तो कॉफी एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स ड्रिंक्स कॉफी एक्स ड्रिंक्स कॉफी तो उसको हमने क्या लिखा बेटा लॉयन एक्स वन इंप्लाइज कॉफी एक्स वन इसी तरह से क्या होगा बेटा एंड लगा के लाइन एक्स टू इम्प्लाइज कॉफी एक्स टू इम्प्लाइज लाइन एक्स थ्री इम्प्लाइज कॉफी एक्स थ्री तो हम इनको बेटा फाइनल क्या लिखेंगे हम अब हमें क्या बेटा ये अब इसको जनरलाइज करना पड़ेगा तो जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्या है जनरलाइज करा तो हमने क्या होगा बेटा लाइन लाइन एक्स इम्प्लाइज कॉफी एक्स अब एक्स क्या है बेटा हमारा फॉर ऑल एक्स या मतलब इसको फॉर ऑल एक्स लाइन एक्स इंप्लाइज कॉफी एक्स तो इसको बेटा हमने क्या करेंगे हम क्या पढ़ेंगे इसको एवरी लाइन विच इज लाइन देन इट ड्रिंक्स कॉफी इसको समझ में आया बेटा हाँ बेटा ये वाला समझ में आया नहीं आया हेलो प्लीज बेटा रिप्लाई करो हेलो हाँ बेटा रिप्लाई रिप्लाई करो बेटा समझ में आया नहीं आया पहले बताओ हेलो सर आ गया समझ में बाकी सब कहाँ गए बेटा कम हो गए दो स्टूडेंट तो तुम्हें बेटा ये बात देखा दोनों में देखो डिफरेंस कितना है हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स पे बेटा सारा कुछ डिपेंड करता है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इससे पहले लॉयन था तो डायरेक्ट बेटा हम लोगों ने क्या लिखा था कॉफी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स मगर जब बेटा हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या चेंज होके क्या हो गया एनिमल हो गया तो अब हमारा क्या है वो एनिमल क्या है यदि लॉयन होगा तभी वो क्या करेगा कॉफी ड्रिंक करेगा तो इस केस में बेटा ये ऐसे आ रहा है ऐसे ही बेटा यदि मैं यूनिवर्स अब नेक्स्ट केस में बेटा मैं क्या करूँ सम कैट्स आर इंटेलिजेंट में अब मैं क्या कर दूं बेटा इसको भी अब एनिमल बना दूं तो क्या आएगा क्या चेंजेस आएगा बताओ बेटा सम कैट्स आर इंटेलिजेंट यदि अब उसमें क्या है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स तुम्हारा क्या है कैट ना होके अब एनिमल्स हो जाएगा तो क्या आएगा बताओ क्या आएगा बेटा बताओ इससे पहले जो केस लिया था हमने सम कैट्स आर इंटेलिजेंट Some cats are intelligent. Some cats are intelligent. दीदी इसमें मैंने क्या है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स अब क्या है पहले क्या कैट था अब कैट ना होकर क्या हो गया एनिमल हो गया तो उस केस में क्या आएगा बेटा रिजल्ट बताओ बेटा बोलो सर देयर एग्जिस्ट कैट्स कैट्स एक्स इंप्लाइज इंटेलिजेंट एक्स क्या आएगा कैट एक्स और क्या आएगा इंप्लाइज इंटेलिजेंट एक्स यही आएगा जो ये मैंने जो तुमने बोला बेटा यही बोला हाँ बेटा हाँ बेटा सबका तुम्हारा भी यही आ रहा है सबका यस सर बेटा दिस इज रॉन्ग व्हाई इट इज रॉन्ग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है बेटा लेट सपोज बेटा मैंने क्या है कि एनिमल्स जो है मैंने कहा लेट सपोज मतलब तीन हमारे एनिमल्स है मतलब क्या है ए वन ए टू एंड ए थ्री हमारे थ्री क्या है एनिमल्स है तो इसमें क्या है एक बेटा मैंने एक टेबल बना रहा तुम्हें और समझाने के लिए क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अभी तुम सिर्फ एक बार ये चीज समझ गए कि कहाँ पे ये आएगा और कहाँ पे कोई और ऑपरेटर आएगा तो समझ लो कि तुम आधी प्रॉब्लम तो बेटा देखते ही तुम समझ जाओ सॉर्ट आउट कर दोगे
मतलब तुम कुछ ऑप्शन सॉर्ट आउट कर दोगे सबसे। लेट सपोज बेटा हमारे पास क्या है, ए वन ए टू और ए थ्री, तीन है। अब क्या बेटा हमारे एक क्या है कैट है, फर्स्ट ए वन क्या बेटा हमारी कैट है और सेकंड ए टू क्या बेटा हमारी कैट है और थर्ड क्या बेटा कैट की जगह पे क्या है, लेट सपोज बेटा इट इज डॉग, सही है। और रही बात बेटा इंटेलिजेंट की, तो मैंने क्या कहा ये बेटा इंटेलिजेंट, हाँ इंटेलिजेंट है, मैंने क्या कहा बेटा कैट हमारी इंटेलिजेंट नहीं है, और ये क्या है ए टू कैट हमारी इंटेलिजेंट नहीं है, बट डॉग हमने कहा कि ये इंटेलिजेंट है, सही है। तो बेटा अभी ये 10 मिनट बाद बेटा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं तुम्हें दोबारा, हाँ अभी दोबारा लॉग इन आई डी पासवर्ड भेजूंगा। हाँ तो उसका मतलब क्या है बेटा, उसको हम कैसे लिखेंगे, कैट कैट ए वन इम्प्लाइज कुमार, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ते हुए आ रहे हैं, इफ एनिमल इज द कैट देन इट इज इंटेलिजेंट। हाँ तो ये तुमने ये लिखा आई ए वन, ये हमारा एक हो गया, और कैट कैट ए टू इम्प्लाइज इंटेलिजेंट ए टू और नेक्स्ट क्या बेटा कैट ए थ्री इम्प्लाइज इंटेलिजेंट ए थ्री इंटेलिजेंट ए थ्री। अब बेटा इसमें इसमें एक बात तुम समझ लो, अब क्या हो रहा है बेटा, जो ये हमारा थर्ड केस है, हमने कैट की जगह पे यहाँ पे कैट डॉग है, तो कैट की जगह पे डॉग है तो बेटा क्या हो गया, पहले तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई, तो हो गई ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। और हमें क्या मालूम बेटा, फॉल्स इम्प्लाइज चाहे कंडीशन हमारी आगे चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, फॉल्स के केस में तो क्या होगा ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा बेटा ट्रू होगा, होगा या नहीं होगा। हमने ये क्या पढ़ा था बेटा, सिर्फ ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या होता है बेटा, हमारा फॉल्स होता है, और उसके अलावा बाकी सब क्या जितने ऑल अदर केस है वो क्या होता है बेटा हमारे ट्रू होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैट हमारी क्या है डॉग है, ये कैट नहीं है, तब भी क्या हो रही है बेटा ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है, मगर ये दो कंडीशन क्या हो रही है हमारी फॉल्स हो रही है, क्योंकि वो कैट तो है ये क्या हो रहा है मगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बेटा हमारा फॉल्स हो रहा है, मगर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जा रहा है, मगर क्या है यहाँ पे कैट नहीं है, वो कैट की जगह पे क्या है डॉग है, तब भी क्या हो रहा है ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। इसलिए क्या है कि बेटा जब भी हमारा क्या होता है यदि और ये देयर एग्जिस्ट है, तो देयर एग्जिस्ट के केस में क्या है हम कभी भी क्या है कि इम्प्लाइज ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, इसके केस में क्या हम हमेशा एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यदि एंड लगाएंगे तो क्या होगा, यदि ये तीनों में से क्या है अब एंड लगाएंगे तो क्या होगा, यदि वो क्या होगा कैड भी हो कैड के साथ साथ क्या है इंटेलिजेंट भी हो, तो यहाँ पे क्या है कि बेटा ये कंडीशन अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा ये फॉल्स देगा। बात समझ में आई है नहीं आई बेटा ये बताओ पहले मुझे। हेलो हाँ बेटा रिप्लाई करो मुझे एक बार, ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ बेटा। हेलो हेलो हाँ बेटा इसका आंसर दो बताओ मुझे, इट इज क्लियर और नॉट। हेलो यस सर क्लियर है। तो बेटा देखो एक बात आप समझ लो, हमेशा इसको गांठ बांध लो, उसको लिख लो चाहे रिजल्ट को, कभी भी क्या है यदि बाहर देयर एग्जिस्ट यदि ऑपरेटर लगाया है तो उसके साथ बेटा किसी भी ऑप्शन में यदि आज के बाद कभी भी एरो देखो तो समझ लो कि वो स्टेटमेंट गलत है। हमेशा क्या है इस बात को ध्यान रख लो कि यदि तुम्हारा फॉर ऑल है तो जो अंदर बेटा हमारा जो साइन आएगा वो इम्प्लाइज आएगा, और यदि क्या है बाहर यदि देयर एग्जिस्ट है तो दैट इज ऑलवेज एड। इस बात को बेटा याद कर लो और लिख लो, तुम्हें आधे से आधे प्रॉब्लम बेटा सिर्फ तुम्हें ऑप्शन बेटा इसी में मिल जाएंगे सही, तुम्हें इसी के आधे सही कर दोगे इसी से खाली इन इस प्रॉपर्टी से। कभी भी क्या है बाहर यदि फॉर ऑल ऑपरेटर है तो वहां पे क्या होगा इम्प्लाइज ऑपरेटर होगा, यदि बाहर क्या है देयर एग्जिस्ट ऑपरेटर है तो अंदर क्या होगा हमेशा एंड ऑपरेटर, सही है।
तो हम बेटा नेक्स्ट चले, तो हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बेटा, तुम लोग लिखो और मुझे बताओ कि उसे कैसा लिखेंगे। लिखो एक स्टेटमेंट लिखो, एवरी स्टूडेंट इन द इन दिस क्लास, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिटेड अफ्रीका और अमेरिका। एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिटेड अफ्रीका और अमेरिका। तो बताओ बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे। क्या लिखा बेटा? Every student in this class has visited Africa or America. तो सबसे तो पहले क्या? हाँ बेटा क्या लिखा? Sir, for all x class in bracket है। पहले बेटा कुछ ये बनाने पड़ेंगे तुमने। जैसे मैंने कहा कि मैंने student x बनाया, तो student x का मतलब क्या है? X is a student in this class. X is a student. X is a student in this class. और तुम्हारा universe और discourse मैंने क्या कहा? People है. Let's say बेटा it is a people. तो पहले तो यार तो बेटा तुम्हारा option कभी सही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक तुमने ये नहीं पूछा कि सर हम किसके respect में बात करनी है, तो universe और discourse तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए। यदि मैंने नहीं बताया तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा पहले ही क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम किसके respect में बात करेंगे। तो हमेशा क्या है? Universe और discourse क्या है? इस केस में let's say बेटा people है. Then I assume that student X is the X is a student in this class. X is a student in this class. और मैंने क्या दिखा दिया? VAF visited Africa. VAF मतलब X is the visited Africa. और मैंने दिखा दिया अमेरिका VAM. VAM of X इसका मतलब क्या है? X has visited America. तो उसको क्या दिखाऊंगा बेटा मैं? For all X क्या है? पहले क्या है वो? इट मस्ट बी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ऑफ एक्स, स्टूडेंट ऑफ एक्स इम्प्लाइज क्या है बेटा? विजिटेड आइदर अफ्रीका और अमेरिका। तो मतलब क्या हो गया? VAF X और VAM X, ये बेटा इसका आंसर है। यहाँ पे बेटा और ऑपरेटर आ गया VAF और VAMX के बीच में, और यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट X। सर में सर इसमें यूनिवर्स ऑफ डिस्क्रिट मानने से क्या फायदा होगा सर पीपल को? बेटा बात तो हमें रेस्पेक्ट में किसी की करनी पड़ेगी ना। अब हमने क्या कहा? सबसे पहले क्या है पीपल हमने क्या कहा? तो क्या है कि X क्या है बेटा? पहले हमारा स्टूडेंट होना चाहिए। X इज द स्टूडेंट, तो ये पहले बताना पड़ेगा ना तुम्हें। डोमेन बेटा कहीं कहीं पे हमारी काम, जैसे इस केस में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था जहाँ पे एवरीवन वाला है, तो वहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा चलो एक क्वेश्चन और लिखो। सम प्राइम नंबर इज इवन नंबर, सम प्राइम नंबर इज द इवन नंबर, सम प्राइम नंबर इज द इवन नंबर वेयर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज द नंबर। चलो बेटा मैं तुम्हारा दोबारा आईडी पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ। हाँ ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, हाँ जब तक तुम ये वाला करो फिर उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ